केदारनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह हम हिंदुओं के 4 धामों में से एक महत्वपूर्ण धाम है। इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा किया गया था। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति केदारनाथ धाम में पूजा करता है वह अपने जीवन के पापों से मुक्ति पाता है। साल 2013 में आई बाढ़ के बाद इस मंदिर से एक रहस्य और जुड़ गया, जो कि एक चट्टान है जिसका नाम भीमशिला रखा गया है। जब नासा के वैज्ञानिक इस शिला की जांच करने आए तो इसकी जानकारी को देखकर हैरान रह गए। आखिर क्या है केदारनाथ की भीमशिला की जानकारी, जिसे जानकर नासा के वैज्ञानिक भी हैरान हो गए। सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। केदारनाथ मंदिर भगवान शिव के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यहां भगवान शिव का बैल के पीठ के आकार वाले शिवलिंग की पूजा की जाती है। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां आते हैं। साल 2013 में यहां एक ऐसी घटना घटी जिसको देखकर लोग आज भी हैरान हैं। आप सब यह तो जानते होंगे कि केदारनाथ धाम में 16 जून 2013 के दिन बहुत भयानक बाढ़ आई थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए, सैकड़ों लोग घायल हुए। यह बाढ़ इतनी भयानक थी कि केदारनाथ में स्थित ऊंचाई की एक भी ऐसी जगह नहीं बची जहां बाढ़ का प्रभाव न हो। उसके बावजूद केदारनाथ मंदिर को कोई नुकसान नहीं आया, जिसका कारण है मंदिर के पीछे रखी चट्टान जिसका नाम भीमशिला है। कहते हैं केदारनाथ मंदिर से 5 किलोमीटर दूर चोराबड़ी ग्लेशियर में एक झील थी। भारी बारिश के कारण वह झील टूट गई और पानी बड़ी ही तेज गति से नीचे आने लगा। उस पानी में बड़ी बड़ी चट्टाने टूटकर पत्थर बन गई। तभी मंदिर के पुजारी ने देखा कि भयंकर बाढ़ का पानी मंदिर की तरफ आ रहा है, जिससे मंदिर का बचना मुश्किल है। ऐसे में वह मंदिर के अंदर ही भगवान से प्रार्थना करने लगा। तभी कुछ लोगों ने देखा कि बाढ़ के पानी के साथ एक बड़े आकार की चट्टान मंदिर की तरफ बड़ी ही तेज गति से आ रही है। उस चट्टान को देखकर लोग डर गए कि अब मंदिर नहीं बचेगा। लेकिन वह चट्टान अचानक मंदिर के पीछे करीब 50 से 60 फीट दूर आकर रुक गई। चट्टान के कारण बाढ़ का पानी 2 भागों में बट गया और मंदिर को बिना नुकसान पहुंचाए दोनों तरफ से निकल गया। उस समय मंदिर के अंदर सैकड़ों लोग थे जो बाबा केदारनाथ का जाप कर रहे थे। जब बाढ़ शांत हुई तो लोग बाहर आए और चट्टान को देखकर दंग रह गए, क्योंकि वह चट्टान आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि के पास रुक गई थी। इस चट्टान के कारण मंदिर की रक्षा हुई, जिसके बाद लोगों ने इसका नाम भीमशिला रखा। लोग इस चट्टान को भीम की गदा भी कह रहे थे। भीमशिला नाम रखने के पीछे कहानी है। कहते हैं कि जब पांडवों ने महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त की तो उसके बाद वे अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव के दर्शन करने काशी गए। काशी से भगवान शिव निकलकर केदारनाथ आए, लेकिन पांडव उनके पीछे पीछे यहां भी आ गए। तब भगवान शिव ने बैल का रूप धारण किया और उनसे छिपने लगे। तभी भीम ने देख लिया और बैल के स्वरूप में भगवान शिव की पीठ को पकड़ लिया। तब पांडवों की भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हुए और दर्शन देकर उन्हें पापों से मुक्त किया, जिसके बाद पांडवों ने यहां पर मंदिर का निर्माण करवाया। और जब मंदिर में आपदा आई तो चट्टान के रूप में भीम ने अपनी गदा से इस मंदिर को बचाया। जब नासा के वैज्ञानिक इस शिला की जांच करने आए तो उसकी रिपोर्ट देखकर हैरान रह गए, क्योंकि यह चट्टान हजारों साल पुरानी है, जबकि वहां आसपास ऐसी एक भी चट्टान नहीं है। और आखिर कैसे इतनी तेज गति से आती हुई चट्टान बिना किसी चीज के अपने आप ही मंदिर के पास आकर रुक गई। जब बाढ़ के पानी से सारी चट्टाने टूटकर पत्थर बन गई तो यह चट्टान कैसे बच गई? ऐसे कई सवालों के जवाब नासा के वैज्ञानिक आज तक ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई। आपके इसके बारे में क्या विचार हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं।
आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।